दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम वर्ब में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे उसके फर्दर रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम एवरी मंडे। इसमें आपके जो भी डिफेंस एग्जामिनेशन है, वेदर इट इज़ RAMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे। क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज अबाउट वर्ब, और वर्ब में हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो आपका जो वर्ब है या फिर जो अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर आएगा। बहुत सारे आप ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं जिसमें ये चीज़ फॉलो नहीं हुई है, तो यही चीज़ आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जब भी आप ईच और एवरी का इस्तेमाल करते हो, वेन एवर यू आर यूजिंग द वर्ड लाइक ईच या एंड एवरी, ईच या एवरी वर्ड का जब आप यूज़ कर रहे हो, रिगार्डलेस आपका नाउन सिंगुलर है या प्यूरल है, फर्क नहीं पड़ता कि ईच और एवरी के बाद, ठीक है, ईच या फिर एग्री, राइट, ईच और एवरी के बाद अगर सिंगुलर है या प्यूरल है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें आप हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करोगे, यू विल यूज़ सिंगुलर वर्ब। नाउन आपका सिंगुलर है या प्यूरल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका वर्ब होगा, द वर्ब दैट इज फॉलोड, दैट शुड बी सिंगुलर। जैसे कि every man and woman was happy, क्या बोला जा रहा है, every man and woman was happy। अगर आपका नाउन सिंगुलर है या फिर प्यूरल है, लेकिन उससे पहले मैंने किसका इस्तेमाल किया है, एवरी का, ठीक है, एवरी या फिर आप ईच का अगर यूज कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ द नाउन दैट इज फॉलोड, ठीक है, ईच या फिर एवरी के बाद अगर वो सिंगुलर है या प्यूरल है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपका वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो रूल क्या बोल रहा है आपका, इफ यू आर यूजिंग ईच या एवरी, ईच या फिर आप एवरी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो नाउन जो भी हो लेकिन आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इतना क्लियर है? अब आते हैं हम दूसरे रूल पे। ये रूल आपका क्या बोलता है कि जब भी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, द नंबर ऑफ, ठीक है, अ नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ के बारे में बोल रहा है। इफ यू आर यूजिंग द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ अगर आपने यूज किया है, तो जो वर्ब होगा दैट इज सिंगुलर वर्ब। वर्ब आपको कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब, और नाउन आपका प्यूरल होगा, ठीक है, प्यूरल नाउन। जब आप द नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हो, व्हेन यू आर यूजिंग द नंबर ऑफ, तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा लेकिन आपका जो नाउन होगा दैट इज प्यूरल, ठीक है, नाउन जो होगा दैट इज अ प्यूरल नाउन। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर द drive, say for the number of students present for the drive was very high। क्या बोल रहे हैं हम कि जब आप the number of use करोगे, you will use plural noun। क्या noun use करोगे आप, plural noun इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो आप verb use करोगे that should be was।
ठीक है, जो आप वर्ब यूज करोगे वो क्या होना चाहिए, वॉज। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट रूल है आपका, इट इज रिलेटेड टू नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अभी व्हेन वी विल लर्न अबाउट कंजंक्शन, उसमें आप पढ़ोगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आपके कंजंक्शन होते हैं। तो ऐसे जो कंजंक्शन जो आपके पेयर में होते हैं, राइट, ऐसे कोई भी कंजंक्शन जो आपके पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ईदर और हो गया, नीदर और हो गया, राइट, वो आपके क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल आपको क्या बोलता है, अगर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर रहे हो तो बट ऑल्सो जो आपका सेकेंड नाउन है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा। मतलब अगर मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रही हूँ तो जो आपका सेकेंड नाउन है ना, मतलब बट ऑल्सो के बाद जो भी आप नाउन यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब होगा। ठीक है, जैसे कि नॉट ओनली द ऑफिसर्स, या फिर नॉट ओनली द ऑफिसर बट ऑल्सो द सोल्जर्स वर पार्ट ऑफ द कैंपेन। अब क्या बोल रहे हैं, अगर मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज कर रही हूं तो जो आपका वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन। पहला आपका नाउन क्या है, ऑफिसर। दूसरा नाउन क्या है आपका, सोल्जर्स। और सोल्जर्स क्या है, प्यूरल है ना, सोल्जर्स प्यूरल है, इसीलिए जो मैंने आपका वर्ब यूज किया वो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोल्जर्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। द वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड नाउन, सेकेंड नाउन सोल्जर्स है, सोल्जर्स प्यूरल है, तो इसीलिए जो मैंने आपका वर्ब यूज किया वो भी प्यूरल था। तो यहाँ पे मैंने वॉज का नहीं वर का इस्तेमाल किया है। क्लियर है इतना? जब मैं ग्रेट मेनी की बात करूंगी तो ये आपका प्यूरल वर्ब और प्यूरल नाउन लेगा, ठीक है। लेकिन जब मैनी अ से सेंटेंस शुरू हो रहा है या मैनी अ का यूज किया गया सेंटेंस में, देन इट इज सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर नाउन, ठीक है। मैनी अ का जब यूज कर रहे हो तो आप सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन यूज करोगे, लेकिन ग्रेट मैनी के साथ प्यूरल वर्ब और प्यूरल नाउन का आप इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड फ्रॉम आर कॉलेज। क्या बोला जा रहा है आपको, जब आप किसका ग्रेट मैनी का यूज कर रहे हो उसके साथ जो आप नाउन यूज करोगे वो प्यूरल नाउन होगा, और उसके साथ जो वर्ब यूज करोगे वो भी क्या होगा, प्यूरल वर्ब, ठीक है। प्यूरल नाउन प्यूरल वर्ब विद ग्रेट मैनी। लेकिन जब आप मैनी अ का यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग मैनी अ, मैनी अ सोल्जर वॉज waiting for the letter। अब इसमें यूज क्या किया है मैंने, मैनी अ, मैनी अ का अगर मैं यूज कर रही हूं तो उसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन, और वर्ब कौन सा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो अगर मैं मैनी अ का यूज कर रही हूँ तो सिंगुलर वर्ब आएगा और आपका सिंगुलर नाउन आएगा। तो ये कुछ कुछ बेसिक रूल्स थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब इससे पहले हमने क्या पढ़े, वर्ब्स के टाइप्स पढ़े थे। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जैसे आपका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तीन तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके कौन कौन से होते हैं, जिरांड होते हैं, दैट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इन्फिनिटिव फॉर्म। तो ये दो भी अभी हम समझेंगे। ऑलराइट,
एक वर्ब का जो फॉर्म होता है दैट इज इन्फिनेटिव फॉर्म. इन्फिनेटिव फॉर्म कुछ नहीं होते हैं, दे आर बेसिकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट. इस फॉर्मेट में जो भी आपको वर्ब मिलेंगे दोज आर व्हाट इन्फिनेटिव वर्ब, राइट. इन्फिनेटिव जैसे कि टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, ये सब आपके क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है. अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको इन्फिनेटिव वर्ब के साथ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, डेयर नॉट या नीड नॉट, ठीक है, नीड नॉट या फिर डेयर नॉट. अब जब आप ये सेंटेंस लिखोगे जिसमें आप इन दो फ्रेज का यूज कर रहे हो, डेयर नॉट या नीड नॉट, उसके साथ आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि They need not to go for the party or in the party, ठीक है, भी पार्टी में जाने की उनको जरूरत नहीं है, राइट. तो अगर आपको ऐसे कोई भी सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या आ रहा है नीड नॉट या डेयर नॉट, तो उसमें आप हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे, क्लियर है इतना. एक और चीज़ है इन्फिनेटिव के साथ, जब भी आप प्रेपोजिशन, जैसे कि कुछ कुछ ऐसे प्रेपोजिशन है आपके, कुछ कुछ प्रेपोजिशन जैसे कि आपका बट हो गया या फिर एक्सेप्ट हो गया, ये जो आपके प्रेपोजिशन है ना, इनके साथ आप इन्फिनेटिव फॉर्म तो यूज करते हो लेकिन बिना टू के, ठीक है. इन प्रेपोजिशन आपके बट या एक्सेप्ट के साथ, आप बिना टू के साथ आप इन्फिनिटिव फॉर्म यूज करते हो, जैसे कि ही डिड नथिंग, बट क्राई. क्या बोला जा रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म जो है आपका उसमें एक रूल ये बोलता है कि अगर आप प्रेपोजिशन बट या एक्सेप्ट के साथ कोई सेंटेंस बना रहे हो तब आप इन्फिनेटिव फॉर्म तो यूज़ कर रहे थे लेकिन विदाउट टू, ठीक है. बिना टू के आप ये इन अगर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो बिना टू के आप क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज़ द इन्फिनेटिव फॉर्म, क्लियर है इतना. एक और रूल है कि कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ क्या यूज़ करते हो आप, इन्फिनेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हो. कुछ वर्ड हैं जिनके साथ आप इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करते हो, जैसे कि आपका रैदर हो गया, हैड रैदर, या फिर रैदर देन, राइट, हैड बेटर, As soon as. ये ऐसे वर्ड है जो अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेंगे. जब भी आप सेंटेंस में इन सारे वर्ड का यूज करोगे तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं यूज करोगे आप इनके साथ. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, आई वुड rather go for a picnic, ठीक है. क्या बोला जा रहा है, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लेते. आप यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे आई वुड रेदर टू गो फॉर अ पिकनिक, नहीं, आई वुड रेदर गो फॉर अ पिकनिक, इसके राइट टू गो जो अगर आप यूज कर रहे हो देन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आपके कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि आपका एज सून एज हो गया, हैड बेटर, राइट, रैदर देन, रैदर, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ क्या लेते हैं, इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज नहीं लेंगे, राइट. अगर आपको वर्ब यूज करना है तो आप बिना टू के यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करोगे. इतना क्लियर है. अब जो आपका नेक्स्ट एक लास्ट टाइप है वर्ब का, दैट इज योर जिरंड फॉर्म. जो आपका दूसरा एक लास्ट कैटेगरी है वर्ब की, दैट इज योर जिरंड.
जेरंड फॉर्म आपके कौन कौन से होते हैं? जेरंड फॉर्म्स आर बेसिकली वर्ब प्लस द आईएनजी फॉर्म. व्हेन यू यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस द आईएनजी फॉर्म, क्लियर? तो इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम जेरंड, राइट. ये आप जब भी आप अगर कंटिन्यूस सेंटेंस बना रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई भी टेंस जो आप रिगार्डलेस इट इज़ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर आप उनके साथ क्या यूज़ कर रहे हो? कंटिन्यूस टेंस बना रहे हो. इन तीनों टेंस में से अगर आप कंटिन्यूस टेंस बनाते हो ना, तो आप हमेशा क्या यूज़ करते हो? वी यूज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, या फिर इसी को क्या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस द आईएनजी, क्या बोलते हैं आप उसको? जेरंड बोलते हो. ऑलराइट, जब टेंसेस भी पढ़े थे तब भी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूस टेंस एज वेल एज द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा था? कंटिन्यूस. तो कभी भी आपको क्या किसी चीज की क्या कंटिन्यूटी दिखानी है, एनीथिंग विच हैपन विदाउट अ ब्रेक, वहां पे जो हम टेंस यूज करते हैं वी यूज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द टेंस. क्लियर है? अब इसके बारे में भी कुछ कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. पहला रूल आपका क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे वर्ड हैं विच आर फॉलोड बाई जेरंड्स, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद क्या लगेगा? जेरंड का आप इस्तेमाल करते हो. जैसे कि आपका हो गया अवॉइड, डिसलाइक, ठीक है, इंजॉय. अगर आप इन ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आप क्या यूज़ करोगे? यू यूज़ द जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, जिसमें से क्या हो गया? अवॉइड हो गया, डिसलाइक हो गया, या फिर इंजॉय हो गया. ऑलराइट, रिस्क, होप, नॉट होप, रिस्क, ठीक है. तो ये कुछ माइंड, राइट, कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं इनके बाद आप क्या यूज करते हो? यू यूज द आई एन जी फॉर्म और जेरंड. जैसे कि शी अवॉइड्स प्लेइंग बाय द रोड. तो क्या बोला जा रहा है? कुछ कुछ वर्ड जो होंगे वो ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद आप क्या यूज करते हो? यू यूज द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, या जिसको आप क्या बोलिए? जेरंड का हम इस्तेमाल करते हैं. क्लियर? आपके कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, देर आर सर्टेन फ्रेजेस जो हमेशा क्या लेते हैं? दे टेक द जेरंड फॉर्म. कुछ आपके ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद आपका क्या आता है? आप वी यूज द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि accustomed to, या फिर habitual to, addicted to, is used to, या फिर is worth, owing to, right, taken to, given to, right, habitual to, looking forward to, कुछ कुछ आपके ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद आप क्या यूज करोगे? वी यूज द आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर क्या यूज कर रहे हैं हम उसके बाद? जेरंड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि It is of no good use scolding him. It is of no good means scolding him. ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ आपके फ्रेज हैं जिनके बाद आप क्या यूज करोगे? वी यूज द जेरंड फॉर्म.
राइट, हम वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद आप क्या यूज करते हो, वी यूज द जेरंड. सिमिलरली ऐसे कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जिसके बाद क्या यूज करते हो, वी यूज द जेरंड. जेरंड्स क्या होते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जेरंड होता है. टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है आपका, इन्फिनिटिव. ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब आपके क्या होते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. और इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, राइट. हमने उनको कैरेक्टराइज किया था मेन फॉर्म, लेकिन जब हम फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करें तो आपका बेस फॉर्म होता है विच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. उसके बाद आपके क्या आते हैं, देन कम्स द पास्ट एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका सेकेंड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है. ठीक है, तो दीज आर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, प्लस हमने क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ा था कि मेन वर्ब होते हैं आपके मेन वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सिलरी वर्ब ये सब हम कर चुके हैं. सो विद दैट वी हैव कम टू एन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ब. ठीक है, वर्ब्स का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो जो चीज़ें आपको वर्ब से रिलेटेड पता होनी चाहिए वो हम कवर कर चुके हैं. इसके बाद वी विल बी डूइंग सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ब. और सिर्फ चीज़ें पढ़ना काफ़ी नहीं होता है, यू हैव टू डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक. जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए, राइट. बहुत बार हम क्या करते हैं, हम बस चीज़ें एक बार देख के कि भाई हाँ ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन फॉर्म में किस तरीके से पूछी जाएगी इसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वर्ब, राइट. आई होप आपको वो चीज़ें समझ आई होंगी. एक बार वापस वीडियो देखिएगा, किसी भी चीज़ में डाउट आ रहा है तो वहाँ पे आप वापस देखिए, कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू रेज योर डाउट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर वर्ब, थैंक यू एवरीवन. लेकिन एक बार मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ दैट वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन बैचेस. इसमें जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है, जैसे कि आपका RAMC हो गया या RMS हो गया, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, NDA, इन सब के लिए हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे. क्योंकि सीट्स लिमिटेड है इसीलिए एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. रजिस्ट्रेशन के नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे.